जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 10,000 पेड़ों के कटान का भारी विरोध होने लगा है। रविवार को दृष्टिकोण समिति व सामाजिक संगठनों ने एयरपोर्ट मार्ग पर धरना देकर प्रदर्शन किया, साथ ही पेड़ों को संरक्षित करने के लिए रक्षा सूत्र बांधे। दृष्टिकोण समिति के अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि नवरात्र का पहला दिन माँ शैलपुत्री का दिन होता है, जो कि प्रकृति का प्रतीक है, लेकिन आज हमारी प्रकृति खतरे में है। प्रकृति से सुरक्षा पाते रहने के लिए उसका संरक्षण करना जरूरी है, पर इसके विपरीत बड़ी तादाद में विकास के नाम पर पेड़ों को काटे जाने की साजिश रची जा रही है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष नितिन मलेथा ने कहा कि थानों में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के अंदर 10,000 पेड़ काटने का प्रस्ताव राज्य और केंद्र की पर्यावरण के प्रति संवेदनहीनता का परिचय देता है। राज्य का छात्र युवा पर्यावरण को लेकर बेहद संवेदनशील है और वह थानों के जंगल को बचाने के लिए संघर्षरत रहेगा। छात्र नेता नितिन ने कहा कि शासन का ये फैसला अंधा विकास है, जो पर्यावरण के लिए विध्वंसकारी होगा। देहरादून को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की बात सरकार की तरफ से हो रही है, जो कि बिल्कुल गैर जरूरी है, क्योंकि राज्य में पहले ही पंत नगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना प्रस्तावित है। एक उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में दो दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाने की क्या आवश्यकता है? यह अनावश्यक खर्च नहीं है तो और क्या है? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ये दलीलें बिल्कुल झूठी हैं कि थानों के जंगल घने नहीं हैं और उनके अंदर वन्य जीवों का कोई मूवमेंट नहीं है। उनका कहना था कि थानों के जंगल बहुत ही सघन और जैव विविधता से भरे हुए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर पहले से ही स्थित हवाई पट्टी में भी जानवर क्यों घुसाते हैं? इस दौरान युवा कांग्रेस नेता मनीष यादव, अमित सैनी, रवि बिष्ट, राहुल सैनी, सावन राठौड़ ने भी पेड़ों को काटने का विरोध किया। धरने में आशिक अली, शुभम काम्बोज, आसिफ हसन, अनिश अहमद, आरिफ अली, लुकमान अहमद, सतनाम सिंह, सूरज भट्ट, आशीष चमोली, प्रतीक बहुगुणा आदि उपस्थित थे। असल मुद्दा जो है, अभी हाल ही में एक कैंपेन चल रहा है थानों बचाओ, जो आंचल शर्मा ने पिटीशन डाली है, उसमें काफी सारे लोगों ने उसमें सहयोग किया है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज तमाम लोगों ने एक सामुदायिक तौर पर, एक संगठनात्मक तौर पर इकट्ठा हुए हैं। आज थानों बचाने के लिए एक मुहिम में सरकार को चेतावनी दी है कि अगर आज आपने अगर ये फैसला वापस नहीं लिया, जंगल बचाने के लिए अगर सरकार पीछे नहीं हटी, तो ये मुहिम आगे बढ़ेगी और ये आंदोलन का रूप लेगी। मैं उन तमाम बुद्धिजीवी लोगों और संगठन के तमाम युवाओं का धन्यवाद अदा करूंगा जिन्होंने इस मुहिम में योगदान दिया। वो तमाम जो स्थानीय लोग हैं, देहरादून से आए हुए बुद्धिजीवी हैं, युवा हैं, मातृशक्ति हैं, तमाम साथियों को मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस आंदोलन को एक नया मोड़ दिया, एक नई ऊर्जा दी, एक नया साथ दिया। तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आंदोलन आगे बढ़कर आएगा और इसमें तमाम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इस थानों के जंगलों को हम लगातार बचाएंगे जब तक हमारी ये आंदोलन और भी आगे नहीं बढ़ता। और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो मुहिम है, इसे सरकार को वापस लेना होगा, ये हमारी चेतावनी है। नेशन वन के लिए देहरादून से ज्योति पटवाल की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।